नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। टिकटॉक शेयरिट समेत 59 चीनी ऐप पर बैन। WHO ने दिया चीन को झटका, कोरोना के पैदा होने की जांच करने आ रही टीम। चीन में मिला नया स्वाइन फ्लू, महामारी की आशंका, 4.4% आबादी संक्रमित। पाकिस्तान ने नौगाम में किया सीजा फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने भी दिया जवाब। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर, CRPF जवान और 5 साल के बच्चे के हत्या में थे शामिल। चीन में लौटा कोरोना वायरस, सोमवार को हुई 19 नए केस की पुष्टि। विशाखापट्टनम की दवा कंपनी में गैस लीक, 2 लोगों की मौत, 4 का इलाज जारी। हांगकांग को रक्षा उत्पादों के निर्यात पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। असम के 25 जिले बाढ़ की चपेट में, 13 लाख आबादी प्रभावित। DCP सेंट्रल ने बताया कि लखनऊ में कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी हुई है। वंदे मातरम के तहत गो एयर विमान कुवैत से 184 भारतीयों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचा। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। मध्य प्रदेश में 31 जुलाई तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में अनलॉक 2 को 31 जुलाई तक बढ़ाया। झारखंड के CM हेमंत सोरेन बोले कि भारत सरकार ने चीनी ऐप्स को बैन करने में देरी कर दी। दिल्ली में सरकार ने तुषार मेहता को 3 साल के लिए फिर से SG नियुक्त किया। दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एक और कार्यकाल विस्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़, सेना ने हिजबुल के 2 आतंकी को घेरा। सामने आए फिल्म भूज के नए पोस्टर्स, अजय देवगन और संजय दत्त का लुक वायरल। विद्युत की फिल्म को किया नजरअंदाज, फिर गरमाया आउटसाइडर का मुद्दा। दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का निधन, कोरोना से थे पीड़ित। वेस्टइंडीज के कोच ने खुद को किया आइसोलेट, फिर होगा कोरोना टेस्ट। बंगाल में समुद्र के किनारे बहकर आई विशाल ब्लू वेल, लग गई भीड़। स्वामीनाथन बोली कि वैक्सीन कोई भी खोजे पर भारत में ही बने तो दुनिया को ज्यादा फायदा होगा। UAE में 1 जुलाई से धार्मिक स्थल खोले जाएंगे।